Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक से? बड़ी आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया, यानी प्रकट हो गया. फ्रेंड्स, बहुत जल्दी गिव अवे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और ये जो गिव अवे का प्रोग्राम है ये सैंडी भाई की तरफ से होगा, यानी इंडियन काइट्स की तरफ से होगा. क्योंकि मैंने जो गिव अवे किया था अभी पीछे फ्रेंड्स, काफ़ी सारा गिव अवे कर दिया था. मेरी तो हालत खस्ता हो गई फ्रेंड्स, हालत पस्त हो गई फ्रेंड्स. काफ़ी सारा गिव अवे किया है, आप लोगों को मालूम ही है. पहले भी हम गिव अवे करते रहे, और अभी हमने जो है तरंग नाम का फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चों को पतंग वतंग और डोर वगैरह बांटी गई है. उसके अलावा इस डेली मॉल में भी एक अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था फ्रेंड्स. उसके अंदर भी हम लोगों ने काफ़ी पतंग वतंग बांटा था. इस डेली मॉल वालों ने 1100 पतंग बांटे हैं फ्रेंड्स, 55 पैकेट पतंग बांटा था उन्होंने, और काइट बैग्स भी, इस तरह के काइट बैग्स बांटा था. और उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस तरह का सर्दी का गिट्टक भी था, काइट बैग, काइट, सर्दी का गिट्टक, दिल खोल करके फ्रेंड्स इस डेली मॉल ने फ्रेंड्स गिव अवे किया था. और बहुत ही अच्छा वो गिव अवे का प्रोग्राम था. काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे, काफ़ी सारे जीत गए थे और काफ़ी सारे नहीं जीत पाए थे. तो फ्रेंड्स, हमारा जो गिव अवे का प्रोग्राम रहता है फ्रेंड, वो मैं आपको बता दूँ कि कॉन्टेस्ट के जरिए ही रहता है. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ मैं एक छोटा वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए लोग कितना खुश होते हैं गिव अवे वगैरह जब उनको मिलता है, जब कॉन्टेस्ट को वो जीतते हैं. तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो गिव अवे होता है सिर्फ कॉन्टेस्ट के जरिए ही होता है, हम लोग ऐसे गिव अवे नहीं करते. क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेहनत करके जीतो. तो इसका फ्रेंड्स, अभी जो गिव अवे होने वाला है वो किस डेट को होगा अभी आप लोगों को पता लग जाएगा. 2-3 दिन लगातार शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी उस डेट के लिए, तो आप लोग वीडियोस लगातार देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा फ्रेंड्स. कई लोग स्किप करके देखते ना, उससे क्या होता है कि क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ होने वाली है हमारे चैनल में, किस तरह का गिव अवे होने वाला है, वो सब कुछ आप लोग का मिस हो जाता है. तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने गुब्बारे से भरा हुआ बैग बना लिया है, और ये गुब्बारे से भरा हुआ बैग आसमान में खुला जाएगा. कब खुला जाएगा सब पता लगेगा, इसके अंदर बैग्स भी हैं, काइट्स भी हैं. और अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फ्रेंड्स, कई बार ये सब बहुत मेहनत का काम है, मैं बता दूं, इसके अंदर बहुत ट्रिक रहता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. तो फ्रेंड्स, ये दूसरा जो हमारा रहेगा, ये एक ड्रैगन काइट है, आप देख सकते हैं. ये ड्रैगन काइट जो है बहुत ही मस्त है, देख रहे हैं आप, ये ड्रैगन काइट आसमान में उड़ेगा, अपने साथ काफ़ी सारे पंख ले जाएगा. तो ये भी एक दूसरा गिव अवे का प्रोग्राम रहेगा, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इसके अलावा काइट फाइटिंग की भी वीडियोज आती रहेगी फ्रेंड्स. इस वीडियो के साथ हम एक वीडियो कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप देखिएगा जिन लोगों को गिव अवे में मिलता है कितने खुश होते हैं फ्रेंड्स. 15 अगस्त से पहले, इसी साल 15 अगस्त से पहले मैंने अपना सारा के सारा जो है फ्रेंड्स, मांझे की चरखी वर्खी सब बांट दिया था, सब बांट दिया था फ्रेंड्स, दिल खोल करके बांटा. इतना बांटा कि 15 अगस्त के लिए मेरे पास सिर्फ एक चरखी बची थी, बाकी सारे बढ़ गई थी फ्रेंड्स. तो हम लोग चलिए इस वीडियो के साथ एक वीडियो कनेक्ट करते हैं, आप उसको भी देखिएगा. फ्रेंड्स, ये जो है स्पेशल गिफ्ट है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बड़ों के लिए. मैंने हमारे यहाँ से इतनी ईडियम मौसी इतनी बांटी गई है गिफ्ट कि हमारे पास अब कुछ बचा नहीं. और ये जो मैं अब उनको दे रहा हूँ, ये मैंने अपने उड़ाने के, आप एक पकड़िए, आपके पास एक आ गया, सबका प्यार बचा है. और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये हमारी खुद की अपनी उड़ाने वाली जो पतंग है वो दे रहा हूँ. ये मैंने खुद जो अपनी उड़ाता हूँ मैं, वो पतंग दे रहा हूँ. और क्या नाम है बच्चा? ये अरहान भाई है, अरहान भाई का एक हो गया. और आपका क्या नाम है? राजीव. और आप? शुभम भाई के लिए ये सब उड़ाने की दे रहा हूँ. इसमें देखिए टेप लगी हुई है ना? हाँ, ये मैं अपनी उड़ाने की चीज़ दे रहा हूँ आप लोगों को. ये तो ये सबका मैंने जो है हो गया ना सबका. तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो मैं अपनी छत से जो पतंग उड़ाता हूँ, इतना यहाँ पे बांटा गया, इतना बांटा गया, तो कुछ बचा नहीं मेरे पास देने के लिए. और आपके पास, आपको नहीं मिला? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नहीं मिला था, तो इस करके जो है मैंने अपने पास से जो है जो कुछ था थोड़ा बहुत वो मैंने बांट दिया. और ये मेरे पास जो है, ये आप लीजिए, फ्रेंड्स ये जो मांझा दिया जा रहा है, ये मांझा मैं आपको बता दूं, ये जो मांझा दिया जा रहा है, और
ये सब हम अपने उड़ाने का मानदंड इनको दे दे रहे हैं। और ये कारीगर का नाम सुन लीजिए, और इस कारीगर का मैं नाम बताता हूँ, इसका नाम है निंजा थर्ड डिग्री टॉर्चर। जी हाँ, निंजा थर्ड डिग्री टॉर्चर है इसका नाम। और ये मानदंड मैं देता हूँ, इनको देता हूँ। और उन्होंने बहुत मदद कराई मेरी शुरू से। और अब मेरे पास एक जो लास्ट बचा है, ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी मानदंड जो है ये जो मांझा मैं दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, एजाज बैग का माल का शॉर्टेज आज एक महीना पहले से हो गया था दिल्ली में। कैमरामैन जरा पास आकर के ये दिखाना, कैमरामैन पास आकर के दिखा रही है। बिल्कुल एकदम जेन्युइन मांझा है, आपको मिल गया भैया। हाँ, आप सेटिस्फाइड हो गए ना, है ना? और ये एजाज बैग का मांझा है, और ये आपको जाता है। थैंक यू सर। और ये एजाज बैग का मांझा जो है, ये भी मैं बता दूँ, ये भी यूज्ड है। आप लोग ये मत सोचिएगा, ये मैं रोज लड़ाता हूँ इस मांझे से, रोज अपने छत से लड़ाता हूँ। और आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर का रील देखते ही पता लग जाएगा आपको। इधर रेड कलर का देखिए फ्रेश, ऊपर का आप 150 मीटर मांझा देखिए, यूज़ किया हुआ मांझा है, नीचे का बिल्कुल फ्रेश है। और ये एजाज बैग जो है इंडिया का नंबर वन मांझा मेकर है, बरेली लॉइन के नाम से जाना जाता है। गिटारे में तो और कुछ नहीं है, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ। चाइनीज मांझा तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं नहीं, ये सब इंडियन आदिल गुट्टू जी का दिया गया है। ये भी मेरा यूज किया हुआ मांझा है, जो मैं छत से रेगुलर उड़ाता हूँ। सब दे दिया मैं, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा फटा हुआ बैग रह गया, ये बैग खाली है, और ये फट भी चुका है, इसको वजन ढो ढो करके। तो भाई ये जरा पॉलिथिन का थैला आप लोग संभाल लीजिए, ये थैले वगैरह यहाँ पे मत फेंकिएगा। और थैंक यू सो मच, देखिए मेरे छोटे छोटे फैन की आगे। और अगली बार आप लोग आना तो वीडियो हमारी तरफ से दोबारा देख लो रिव्यू दो। सबको कुछ ना कुछ मिल गया, ठीक है ना? तो मैं ये अपना खाली थैला लेकर के जा रहा हूँ। और आज वीडियो अपलोड करेंगे सर, वीडियो अभी वो हमारे कैमरामैन है, और ये वीडियो अपलोड करते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कब वीडियो अपलोड होगी। कल की वीडियो भी चेक कर रहा था, कल वीडियो अपलोड। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो बंद करेंगे और बोलना चाहेंगे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।